हक टेलीविजन के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समद मुसाफिर, और हमने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत डिटेल में बात की समदा हीलिंग एनर्जी के 9 लेवल्स के हवाले से, और हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। आजकल के दौर में जो लोग इन मसाइल और इन बीमारियों में और मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी लाइन पर हैं, तो हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सिकंदर साहब, मैं सबा बोल रही हूँ कराची से। सबा, आप थोड़ा सा जरा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मैं सबा बोल रही हूँ कराची से। जी सबा, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, बहुत हमें इसमें मालूमात फराहम होती है। डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल करने, दो सवाल करूंगी बल्कि मैं। जी जी जी, तो मुझे इसके जवाब तसल्ली बख्श दीजिएगा ताकि मैं इसका अमल कर सकूँ। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है कि डिप्रेशन और टेंशन के को कम करने के लिए हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें? कलर, कौन सा कलर इस्तेमाल करें? हाँ जी। अच्छा, और दूसरा सवाल है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा वजन बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है। सबा, आप कहाँ, कराची से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है सबा, आपके जो दो सवाल हैं, एक आपने कहा है कि डिप्रेशन और टेंशन को दूर करने के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करें, और दूसरा आपने कहा है कि आपका जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस वजन को कम करने के लिए आप क्या तरीकेकार इख्तियार करें? जी ठीक है, आपने हमें कॉल किया, एक मिनट जरा हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। कोई इस तरह प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है या अच्छा, कुछ अच्छा, आपके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है सेहत के हवाले से? कुछ मुझे ब्लड प्रेशर रहता है हाई। अच्छा, और मेरे जोड़ों में दर्द रहता है। अच्छा, जोड़ों में दर्द रहता है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों में तो कोई? अच्छा, रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है? रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में बेनतहा दर्द होता है, पिंडलियाँ, रात को सोती हूँ तो बेनतहा खिंच रही होती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। तो आपके साथ तो इतने मसाइल है, और आपने हमें? मोटापा मेरे साथ है जी, मोटापे भी मेरे साथ है, मोटी भी हूँ मैं। अच्छा जी, चले ठीक है सबा, हम आपने जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं टेंशन के हवाले से, मोटापे के हवाले से और दीगर बीमारियों के हवाले से, हम उसका अभी आपको तारीफ करूंगी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी हमें मालूमात मिल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा जवाब दीजिएगा ताकि मैं इसे अमल कर सकूं हर चीज पे, डाइट पे भी और कलर भी जरूर बताइएगा मुझे। जी जी, हम इंशाल्लाह बहुत तफसील से आपका हम जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आप अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिए। जी डॉक्टर साहब, सबक थी तो एक मजमुआ मुझे लग रहा था कि इनके साथ तो यानी डिप्रेशन भी है, टेंशन भी है, और इनका कहना है कि वजन भी इनका बहुत बढ़ गया है, फिर रीढ़ की हड्डी में भी इनका प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, और साथ इनका कहना है कि ब्लड प्रेशर भी है। ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है, ये सारे कुछ इकट्ठे होते हैं मोटापे के साथ, और मोटापे कई बीमारियों का जड़ है, और टेंशन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से भी वजन बढ़ जाता है कभी। अच्छा, तो वो टेंशन डिप्रेशन की वजह से ये कि लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर सहल पसंद लोग जो बहुत ज़्यादा लाड जिसने बहुत देखे हैं, जी जी, वो लोग टेंशन डिप्रेशन का शिकार खुद को अपने आप को करते हैं, क्योंकि वो उसमें वो अपने आप को वो बर्दाश्त नहीं लाना चाहता है, क्योंकि पहला लाड उसको मिला था, वो बर्दाश्त जो है वो अपनी ख़त्म खुद कर देते हैं। जी जी, देखिए एक इंसान हर तरह के हालत में गुजारा कर लेते हैं, ऐसे लोग हमारे क्लास में जब बैठते हैं मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि उसने बुर्का पहन के, और वो उस हालत में भी, गर्मी के शदीद हालत में भी वो बाय बस आते हैं या इस तरह के, और वहाँ पर रास्ते में कितना गर्मी, और नायलॉन के कपड़े अच्छा पहने हुए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ऊपन बहुत कम और बहुत कॉटन के बहुत हल्की कपड़े पहने, लेकिन उनको ज़्यादा बजाय उसके उनको ज़्यादा गर्मी लगते हैं। अच्छा, अब उन्होंने अपने बर्दाश्त को बढ़ाया, ये देखिए फ़र्क कितना है इंसानों में, उसने अपने बर्दाश्त को बढ़ाया, उसने अपने बर्दाश्त जो है ना
कम किए हैं कि कुव्वत बर्दाश्त उसने खुद कम किए हैं। इंसान हर हालत में कर सकता है जो चाहे, गिजा को भी कंट्रोल कर सकता है, टेंशन डिप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकता है एक अच्छे और पुख्ता इरादे से। और पुख्ता इरादा कहाँ बनता है? आप फिर ये लोग बहाना बना लेंगे कि इरादा हमारे पुख्ते नहीं है, हमारे इरादे से ही नहीं जी, हमारे इरादा इसके लिए तो बहुत स्ट्रांग इरादा चाहिए। इरादा भी हमारे अंदर है, सही, इरादा को भी हम खुद स्ट्रांग कर सकते हैं जी। एक मिसाल और बताता हूँ इरादे के हवाले से जी। एक शख्स गुस्सा को किसी वक्त कंट्रोल कर सकता है, पिछले प्रोग्राम में भी बताया जी। मसलन एक शख्स से जो घर में गुस्सा करता है, बाहर गुस्सा नहीं करते हाँ। तो बाहर क्यों कंट्रोल करते हैं? फिर घर में भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक मिसाल है कि हम खाना को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम तमाम चीजों का हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने टेंशन डिप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन छोटी छोटी चीज़ों पे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी परेशानियाँ जो है इंसान को डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं, परेशानियों में ले जाते हैं। ऐसा ऐसा छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशन है बढ़ जाता है, फिर यही टेंशन मायूसी बन जाता है। मायूसी जो है ना वो एक तरह के जो है ना जिसे अफसरदगी कहते हैं, ये फिर एक डिप्रेशन का एक स्टेज बन जाता है, फिर कई डिप्रेशन के कोई डीपली स्टेज बन जाता है, फिर क्रोनिक डिप्रेशन बन जाता है ये चीज। सही। तो हमें छोटी टेंशनों को ठीक है आ जाए, लेकिन उसको इतना ना ले, उस टेंशन को ले और उसको बताओ कि आप मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, वेलकम आ जाए। और जिंदगी में जो टेंशन नहीं होता वो जिंदगी तो मजे की नहीं। छोटे मोटे टेंशन से इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर देखें अंधेरा नहीं होगा तो हमें रोशनी की अहमियत का एहसास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आधे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो इसी तरह जो टेंशन है नहीं होंगे तो हमें उस लाइफ का मजा नहीं आएगा जो हमारी बहुत पुरसुकून गुजर रही है। और एक और बात है, यानी एनएलपी की निगाह से जब हम खुशियों के साथ BMBL के हवाले से, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, कि हम अगर खुशियों के साथ आदि हो जाएंगे जी, तो खुशियाँ फिर कुछ भी नहीं लगता है, वो ही खुशियाँ ऐसा लगता है जैसा कि कोई खुशी है नहीं, कोई अहमियत नहीं होगी उसकी। फिर हमें आगे खुशियाँ चाहिए जी, आगे खुशियाँ जो भी मिलता है फिर उसके साथ आदि हो जाते हैं, फिर वो खुशी वही होती जी। आपने जिंदगी में कितनी मुश्किलात देखे होंगे, कितनी मुश्किलात से गुजरे होंगे जी, इतनी मुश्किलात आपने देखे होंगे, लेकिन सारा गुजर गए। जिंदगी मूवी की तरह है, एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी मूवी की तरह गुजर जाते हैं, अच्छा हो बुरा हो जी हाँ गुजर जाते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए आप बहुत परेशान थे एक वक्त की, ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है, उसी वक्त आप इतना परेशान थे, इतने परेशान थी कि आप समझ रहे थे कि इस मुसीबत से छुटकारा ही नहीं, लेकिन आप वो गुजर गए जी, कितनी मुश्किलात गुजर गए। तो जिंदगी मूवी की तरह है, मुश्किलात आते हैं गुजर जाते हैं, उसको उसको उस मुश्किलात को लो, उसके से लड़ो, उसको ख़त्म कर दो। लड़ने में आपकी वर्जिश हो जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। तो मोटापे के लिए डाइटिंग का ख्याल हम रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा ना, ज़्यादा मीठा बिल्कुल मीठा जो है हमारे ज़्यादा फैट्स को बढ़ा देते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होते हैं उसमें, और ऐसी चीज़ें क्या जिसमें फाइबर्स हो, मसलन आजकल जो मौसम है बेहतरीन मौसम है, तरबूज का है, आड़ू का है और खरबूजे का है, यही अगर सिर्फ खाएंगे आप, सिर्फ यही लेंगे तो इसमें इतनी गजायत है। थोड़े से साथ सैलड बनाएं जी जी, सैलड बना कर ना काट के हर चीज़ का मिक्स आप ले लें, मसलन टमाटर हुई, मूली हुई, साथ जो है ना कोई साथ गाजर है, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उसको काट के उसको आप प्याज है साथ मिलाकर, और मज़े से आप इतना अच्छा सैलड बना सकते हैं। और लो फैट की जो दही है जी, वो भी साथ आप मिला सकते हैं उसके साथ, इतना मज़ा आता है। और ये डाइट के हवाले से, डाइट के हवाले से सवाल था, अच्छा उनके सवाल
तो भी बहुत तवील है और काफी सवालों के हमें उनके जवाब देने हैं जी। लेकिन एक कॉलर भी बहुत देर से होल्ड पर है, हम उनकी भी सवाल ले लेते हैं है, और फिर हम सभा का, क्योंकि उनका भी रीढ़ की हड्डी का मसला था, जॉइंट्स का पेन था, सारा कुछ है। तो और खास तौर से उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें बहुत डिटेल से आप जवाब दीजिएगा। मैंने डिटेल से बताया, कुछ आउट बात की है ना, अभी और भी चीजें हैं। तो हम एक कॉलर को साथ में शामिल करते हैं, सभा का जवाब हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रोजमीन बात कर रही हूँ जी। कौन बात कर रही हैं? रोजमीन। रोजमीन बात कर रही हैं। रोजमीन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जॉब करती हूँ एपिक इंस्टीट्यूट में। अच्छा, आप कराची से बात कर रही हैं? सॉरी, आप कराची से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या रोजमीन क्या शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? मैंने जब इस कोर्स के बारे में सुना था तो उस वक्त बहुत ज्यादा टेंस, डिप्रेस, और जैसे आपको पता है कराची का जो हो जाता है एक स्टडीज भी और जॉब भी, तो मैं बहुत ज्यादा टेंस और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और बहुत थकावट वगैरह महसूस होती थी। मुझे किसी ने बताया सर के कोर्स के बारे में, जीड साइंसेस के बारे में। जी जी। तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये कोर्स वाकई इतना इफेक्टिव होगा और मुझ पर, मतलब मैं डेमो क्लास लेने गई। अच्छा। उसमें भी मैं इतना ज्यादा नहीं मैंने महसूस किया, लेकिन वाकई जब मैंने लेवल स्टार्ट किए और मैंने सर से हुक्स लिए, तो अब ये है कि एक हफ्ता हुआ है मुझे, मतलब चार लेवल हुए हैं मेरे कंप्लीट। अच्छा। और मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मैंने अपने घर में जितने लोगों को हील किया, मेरी अम्मी हैं, उन्हें पैरों की तकलीफ थी, मैंने उन्हें हीलिंग दी, वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हैं। और उनका दर्द कोई 7-8 साल पुराना था और सारे डॉक्टर्स से वो मायूस हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन अब उनमें इतना फर्क आया है कि वो रातों को सो नहीं पाती थी, बार बार उठ जाती थी, अब वो सोने लगी हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को हासिल करके। जी जी। और वाकई मुझे बहुत 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 खुशी है। चलें सभा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और अपने जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हमारे साथ, और हमें यकीन है कि आपकी जो आपने अपने जो तजर्बात हमारे साथ शेयर किए हैं, दीगर लोगों ने भी सुना होगा, वो भी इस तरफ जरूर आएंगे। और मैं जरूर, मैं चाहूंगी कि और लोग भी इस तरफ आएं। जी। सुनने से शायद उनको इतना नहीं लगेगा, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करेंगे और जब वो आएंगे क्लास में बैठेंगे, जी, तो वाकई उन्हें महसूस होगा कि फर्क पड़ता है और कुछ तो है, कोई एनर्जी है, सही महसूस होता है। चलें बहुत शुक्रिया रोजफिन, आपने हमें कॉल किया, आपके हमारे साथ अपने तजुर्बात आपने शेयर किए।